दोस्तों, मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। तो नवरात्रे चल रहे हैं और इन नवरात्रों में हम एक स्वीट डिश बनाने वाले हैं और वो है फ्रूट कस्टर्ड। तो ये फ्रूट कस्टर्ड हम बनाएंगे सामक के चावल के आटे से, क्योंकि व्रत में हम सामक के चावल यूज करते हैं, इसीलिए आज हम उससे ही बनाएंगे। उसके लिए मैंने 600 ml फुल क्रीम दूध लिया है, कुछ अंगूर लिए हैं, एप्पल लिया है और अनार मैंने छील के रख लिया है और कुछ ये हरे वाले अंगूर हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने सामक के चावल पीस के उसका एक पाउडर बना लिया है और केसर को दूध में भिगो के रख लिया है और ये चीनी ली है मैंने। मैंने दूध को गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। अब इस तरफ हम ये दूध में ये सामक का जो आटा है इसको मिक्स करके और इसका घोल बनाएंगे। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो हो सकता है इसमें लम्स पड़ जाए, लेकिन हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें ये घोलेंगे। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ये डाल दिया है। इसको मैं एक अच्छा सा घोल बना के रख लूँगी और दूध उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें जो हमने ये घोल बनाया था इसको मिक्स करके हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। गैस को मीडियम लो फ्लेम करके हमें उस पर ही इसको पकाना है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अब ये हमारा इतना थिक हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे केसर, जो मैंने पहले से ही दूध में घोल के रख दिया था, और स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। मैंने ये आधी कटोरी चीनी दी है, ये डाल दी है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसे हम ठंडा करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारा कस्टर्ड भी अब ठंडा हो चुका है और ये इतना थिक है। अब मैंने फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं। अब मैं इस कस्टर्ड में ये सारे फ्रूट्स मिक्स कर लूँगी। तो हमारा ये लाजवाब कस्टर्ड बनकर तैयार है। ये कस्टर्ड बिल्कुल घर के बने हुए सामान से ही है। इसमें सामक के चावल को हमने यूज किया है पीसकर, और ये बिल्कुल शुद्ध है। इसमें सिर्फ दूध, फ्रूट्स और सामक के चावल ही यूज किए हैं। तो आप ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।